हाय दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं हकीकत तक। एमकेएस बलिया के माध्यम से आपको दर्शन कराऊंगा बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में। प्रांगण में पहुंच चुका हूं, लाइव दर्शन करिए। आप लोग देखिए कितना ही भीड़ यहां पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालुगणों का। ये देखिए जो येलो कलर का आपको दिख रहा है झंडा लहर रहा है, त्रिशूल का जो है वहाँ पे शीर्ष गुंबद पे लगा हुआ है त्रिशूल, देख रहे हैं आप लोग। मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, यही शीर्ष है बाबा का। चूँकि आज आपको मैं मेन मंदिर में नहीं जा पाऊँगा, चूँकि मोबाइल वर्जित भी है वहाँ पे, और मैं मोबाइल जमा करने गया था, नहीं जमा हो पाया, वीआईपी लोगों के कारण बाधा पहुँचे। तो मैं इस हकीकत तक के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वीआईपी बाधा पहुँच रहे हैं एक आम इंसान के सुख और स्वतंत्रता में। इसको दूर करना है, इस बुराई को ख़त्म करना है। दीपावली आ रहा है और जो भी लोग इसको देखेंगे, इसको दूर करने का प्रयास करें। आप लोग देख सकते हैं लाइनें दोस्तों कैसे लगी हुई है बाबा को दर्शन करने के लिए, ये सब गोलाबंदी करके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुगढ़ कितना भीड़ में जा रहे हैं, और यहाँ चेकिंग हो रहा है, मोबाइल जमा होगा। तो यह बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज दर्शन नहीं हो पाया, क्यों? वीआईपी कारण बने बाधा। तो क्या है, छात्रों का समय नहीं है? तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं, यही आज का हकीकत है। 16 अक्टूबर 2022 दिनांक को मैं लाइव पहुंच चुका हूं। यहां पे देख सकते हैं रामेश्वर भवन है, और यहां पे चेकिंग पॉइंट हो रहा है, मोबाइल अंदर नहीं जाएगा, और बैग बाहर रख देना है, यहां लॉकर रखना है। यह मंदिर है, मुख्य द्वार तो नहीं कहेंगे, पीछे का गेट है ये बाबा का दर्शन करने के लिए। मुख्य द्वार पर वीआईपी लोगों के लिए चाक चौबंद है, प्रशासनिक त्रस्त व्यस्त है उनके दर्शन कराने के लिए। लोकतंत्र के मसीहा वही हैं, सेना और कर्नल सीओ आते हैं। तो सोचने की बात है, हर इंसान लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, हर इंसान को वो पदवी देना पड़ेगा, वो सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान के लिए कुछ करना पड़ता है, बलिदान। तो ये देख सकते हैं आप प्रांगण में दोस्तों, आवाज़ तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी, यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर देखिए नीम का पेड़ है। ये भारत माता के मंदिर पर मैं ले जाना चाहूँगा आपको, ये आपका भारत माता को आप लोग जय बोलिए, जहाँ भी जो हो बोलिए बोलिए भारत माता की जय। देखिए भारत माता का दर्शन करा रहा हूँ आपको, ये है भारत माता। देखिए दोस्तों, ये लोग यहाँ पे हमारे श्रद्धालुगढ़ और जो भी दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे फोटो चित्रकारिता अपना करते हैं, अपने कैमरे में कैद करते हैं भारत माता को। और ये उनसे सीखना है, उनका आशीर्वाद लेना है भारत माता से, बुराइयों को खत्म करना है, और जो भी त्रुटियां हैं, जो भी अशुद्धियां हैं, उसको दूर करना है। भारत माता को अपने जेहन में प्रण और उनका जयकारा लगा करके बोलिए भारत माता की जय दोस्तों, दर्शन करिए आप लोग। और यहाँ पे सोमनाथ भवन है, ये कॉरिडोर है विश्वनाथ मंदिर का, जो कि लंबा चौड़ा बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। आपके बहुमूल्य समय को मैं नहीं लूंगा, बस इसीलिए जुड़ा था आज कि दोस्तों बहुत मन को छलित किया, कचोट दिया, आज भी आईपी कारण बने मेरे दर्शन में, बाधा पहुंचे। लोग बोले कि इस गेट से नहीं, यहाँ पे अब लाइनें बंद किया जा रहा है, कोई आने वाला है। बताइए आप, बहुत संयोग से एक किसान का बेटा पहुंचता है कहीं भी, और उसका समय है, वो भी उसको फुर्सत नहीं है, इस छात्र क्योंकि छात्र जीवन से जुड़ा हुआ है, आगे पीजीटी अन्य परीक्षाएं हैं, किस तरह जूझ रहे हैं लोग। अभी तो दिक्कत हुआ ही, 38 लाख लोग 2 दिन में यात्रा किए, कितना कोई व्यवस्था नहीं था। ये भी हकीकत तक के माध्यम से मैं आपको, चूंकि मैं छात्र जीवन से जुड़ा हूँ, तो मैं आपको यह अवगत नहीं करा पाया। उस दिन मैं लाइव नहीं आ सका किसी कारणवश, 15 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को परीक्षाएं हो रही हैं। तो यह आज पहुंचा मैं यहाँ विश्वनाथ मंदिर, तो आप लोग दर्शन करिए और बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह हकीकत के साथ। न्यूज रिपोर्टर हकीकत तक बलिया, एमकेएस।